नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी अनलॉक 3.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें, गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब आप बिना पास के ही अंतर्राज्यीय आवागमन कर सकते हैं। आपको बता दें, 11 जुलाई को राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण लगा दिया था, लेकिन अब राहत वाली खबर यह है कि राज्य की सीमा में बिना पास के ही एंट्री हो सकेगी। वहीं अन्य राज्यों में आने जाने के लिए भी पास बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कॉमर्शियल वाहन भी अब बिना रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा 1 सितंबर को खोले जा सकते हैं, यानी कि 31 अगस्त तक बड़े धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही बार बार कमेंट बॉक्स में हमारे पास यह सवाल जरूर आता है कि स्कूल कब खुलेंगे। तो आपको बता दें, सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। आपको बता दें, अब सरकार 31 अगस्त के बाद ही नया आदेश जारी करेगी कि स्कूल और कॉलेजों को खोलना है या अभी बंद ही रखना है। साथ ही मैं आपको बता दें, 5 अगस्त से प्रदेश में योगा सेंटर और जिम सेंटर खुल जाएंगे। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच अशोक गहलोत ने अपनी हुकूमत पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अपने सभी विधायकों को जैसलमेर रिसोर्ट में शिफ्ट किया है। जैसलमेर अब कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी का नया केंद्र बन गया है। राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायकों की बाड़ाबंदी जयपुर के होटल फेयर माउंट में की गई थी, लेकिन अब होटल बदल दिया गया है। वहीं आपको बता दें, रक्षाबंधन पर रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है और रोडवेज प्रबंधन ने अब इसके आदेश भी जारी कर दिए। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि कोरोना वायरस के संकट में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी जाएगी। सीएम गहलोत के ऐलान के बाद अब रोडवेज प्रबंधन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए अब आपको दे देते हैं प्रदेश में कोरोना वायरस की अपडेट। शुक्रवार को कोरोना के 362 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 41,298 पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस के कारण अब तक 674 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।